टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेहता साहब का किरदार निभाने वाले सचिन श्रोप ने दोबारा शादी कर ली है। रविवार को एक्टर ने मुंबई में अपनी फैमिली फ्रेंड चांदनी के साथ सात फेरे लिए हैं। वेडिंग डे पर जहां चांदनी ने ब्लू लहंगा पहना हुआ था, तो वहीं सचिन ने भी येलो शेरवानी पहनी हुई थी। सोशल मीडिया पर कपल की शादी की फोटोज बेहद सुर्खियों में है। आपको बता दें कि शादी में काफी लोग शामिल हुए थे। सचिन और चांदनी की शादी में कई सेलेब ने शिरकत की। मेहमानों की बात करें शादी में एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता, दिलीप जोशी, जेनिफर बंसीवाला और वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की लगभग सारी स्टार कार्ड वहां मौजूद रही। आपको बता दें कि सचिन श्रोप ने ये दूसरी शादी की है। ई टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो चांदनी सचिन की बहन की दोस्त रही हैं। सचिन के परिवार वाले लंबे समय से चाहते थे कि वो दोबारा शादी करके घर बसा लें। ऐसे में उन्होंने सचिन के लिए चांदनी को ही चुना। सचिन की पत्नी का टीवी इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो एक इवेंट मैनेजर और इंटीरियर डिजाइनर हैं। बता दें कि सचिन ने पहली शादी एक्ट्रेस जूही परमार से की थी। लंबे समय तक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने 2009 में जयपुर में शादी की थी। साल 2013 में कपल के घर एक छोटी बेटी का जन्म हुआ था। इस दौरान दोनों के बीच कई बार अनबन की खबरें सामने आई। हालांकि इस पर कपल ने उस समय कोई रिएक्शन नहीं दिया था। आखिरकार शादी के 9 साल बाद 2018 में जूही सचिन ने तलाक लेने का फैसला किया था। इसके साथ ही दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए थे। कपल की बेटी अब 10 साल की हो चुकी है, जिसकी कस्टडी जूही के पास है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप राय कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।